कौन सा कलर था? एक्वा नहीं नहीं वही वही चिको बार या क्या? एक्वा एक्वा नहीं बार डार्क लाइट कलर कोई और ये नहीं 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 एक्वा नहीं एक्वा भी नहीं जैसे सोचोगे उससे पहले तो सूख गया। आपको मान लो इसको रीलेनिंग में लेके जाना है तो आपको थोड़ा सा कलर को क्वांटिटी में यूज़ करना है। आप उसको मिक्सिंग ऑयल की तरह कर सकते हो और खासकर इस टाइम तो नवंबर से लेके फेब तक एक्रेलिक में जितना चाहो रियल स्टिक उतना आ सकता है एकदम, मतलब वो क्रिएट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो ऑयल की तरह ही हो जाता है। हाँ सबसे बड़ी खूबी आपकी पेंटिंग में है। आप अगर कलर को अच्छे से इस्तेमाल करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइमर लगाने के लिए वो क्या होता है, ज़्यादा अपन बहुत ज़्यादा मान लो शाइन क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली काम कर रहे हैं लेयरिंग टू लेयरिंग, फिर तो वो एक अच्छा लग सकता है। अच्छा हाँ अच्छा, तो मतलब जैसे लेयरिंग तो प्राइम मस्ट है। हाँ भाई, आपको लग रहा है कि मुझे एक स्ट्रोक्स में उसको काम कंप्लीट करना है या कुछ लैंडस्केप का सीन है तो उसमें कोई ऐसे कोई नीडेड काम नहीं है। लेकिन आपका एक सीरीज कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, मान लो कि आपने कृष्णा की सीरीज बनाए जा रहे हो, आपका एक फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है और वही का वही आप रिपीटेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हो उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के, तो आप उसमें मान लो कि लेयरिंग करते हो तो वो और शाइन क्रिएट करता है और ज़्यादा। एक्रेलिक जितना ज़्यादा लगाओगे जितनी बार लगाओगे और ज़्यादा ग्लो करेगा। अच्छा, जैसे हम पहले मान लो कि काम करने से पहले भी दो कोट लगा दो एक्रेलिक का, अच्छा ये टेक्सचर थोड़ा सा और स्मूथ हो जाता है। हाँ, और मुझे, आपका मुझे ऐसा लगता है। और अच्छा आउटपुट आपका और अच्छा है। मैं तो ब्रश से काम करती नहीं हूँ, लेकिन जब मैं काम करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कैनवस प्राइम करूँ तो मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ, अगर ना करूँ तो नहीं मिलते। नहीं नहीं बिल्कुल ये सही बात है। नहीं मतलब मेरे ध्यान में नहीं था, आपने निकाला इसलिए मैंने पूछा। कलर सर अपने अकॉर्डिंग है। हाँ, कलर आपको कोई सब्जेक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि मेरा रोज तो काला भी हो सकता है, मेरा रोज हरा
भी हो सकता है, हैं? कोई भी कलर हो सकता है। हाँ, ये किसने कहा कि जैसा दिखता है, आपका रोज आपका है ना, किसने कहा कि रेडी बनाना है आपको? कलर तो आपके पास है, आप कोई भी यूज कर लो। लाइट डार्क बस नेचर से लेनी है कि जो सब्जेक्ट ऊपर है वो लाइट है, नीचे वो डार्क है, बस। रियलिज्म में तो यही है, लेकिन रियलिज्म को आप अपने कलर स्कीम से अपने, मतलब मुझे ये चाहिए कि आदमी जो है ना हरे रंग का ही चाहिए, हल्क बनाया जिसने तो ऑब्वियसली वो हरा बनाया, उसने उसकी इमेजिनेशन थी कि मुझे इस तरीके से वो हरा ही चाहिए यार, लेकिन बड़ा अट्रैक्ट करता है। तो ये कोई किसी पे थोपा नहीं जाता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप चाहते क्या हो। अब नेचर में आपको लग रहा है यार मुझे ये कलर इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये तो इसके साथ तो ना पिंक ही लगाना है, इस ब्लू के साथ मैं पिंक लगाऊंगा। तो हम घर पे और क्या करते हैं अपने डिजाइन में, अपने बेडरूम में क्या किया जाता है, हम यही तो करते हैं कि इस वॉल पर मुझे ये कलर चाहिए, इस पर ये चाहिए। किसी ने कहा क्या आपको कि ये कलर लगाओ? तो वही तो आर्टिस्ट की पहली प्रायोरिटी है ना कि आपसे क्या चाहते हो, आपसे क्या चाहते हो, दुनिया से नहीं। पेंटिंग किसी दूसरे के लिए नहीं बनाई जाती, पेंटिंग फील के लिए बनाई जाती है, जो फील करते हो आप वो एक्सप्रेस करते हो। पेंटिंग कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम कि क्या बनाया है और क्यों बनाया है। सही है, यही बनाने बैठे तो सिर्फ कहानी लिखे ना, पोइट्री लिखे भाई। पेंटिंग का तो उसका है, वो एक्सप्रेस कर रही है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको। और उसके कलर्स है, उसकी फॉर्म है, उसका रिदम है, वो आर्टिस्ट ने क्रिएट कर दिया। अब आपका है कि वो एंजॉय कैसे करते हो उसको, कि आप उस कलर को देख के एंजॉय कर रहे हो, उस फॉर्म ऑफ रिदम को देख के कर रहे हो, कि आपको क्या मतलब उसमें डिपिक्ट ऐसा किया कि उसको वाह यार मजा आ गया। मतलब होना क्या है वहाँ पे, किस परिस्थिति में आर्टिस्ट ने वो कलर लगाए वो आप नहीं जानते हो, क्योंकि उसका मूड ऑफ टाइम कैसा था वो भी डिपेक्ट करता है कि आपके काम में, कि मुझे ब्लू ही मैंने क्यों उठाया, ब्लू ही मैंने क्यों उठाया। ऐसा मुझे हो सकता है कि मैं सुबह से ब्लू को बड़ा देख रहा था, मैंने कपड़े भी ब्लू ही पहन लिए थे थोड़े, तो मुझे वो ब्लू पूरा आज सुबह सुबह कुल कुल बड़ा प्रतीक हो रहा है। हो सकता है कि उस पेंटिंग में भी ब्लू ठोक दिया हो। तो ये आर्टिस्ट का अपना एक वो आउट इनपुट जो है, आउटपुट दिखता है उसमें, मतलब अंदर से बाहर की तरफ जो कैनवास पे हम क्रिएट करते हैं वो नजर आ जाता है। मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम में स्टेट ऑफ माइंड क्या है आर्टिस्ट का, नोबडी कैन एक्सप्लेन, इवन दो हम खुद भी एक बनाने के बाद भी हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते। वही तो कह रहा हूं कि कोई पेंटिंग एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। अगर आपने जो अपना एक मोमेंट ऑफ टाइम में बनाया है, वो ड्रीम में भी यही होता है ना, हमारा सपना देखते हैं, अगले क्षण में वो सपना पता नहीं आधा अधूरा तो अपने को दिखता है और आधा तो गायब, बोले कि यार कुछ तो याद आ रहा है और कुछ तो भूल बाकी। तो वो क्या हुआ, तो वो हम भूल चुके थे, हमें कुछ भी उसके बारे में याद नहीं आ रहा। तो ड्रीम में भी ऐसा ही है, पेंटिंग में जो कुछ क्षण जो होते हैं वो क्षण वापस नहीं आ सकते, यानी कि टाइम चले जाने के बाद में, तो वो टाइम ऐसा टाइम होता है वो वापस लौट के नहीं आता। तो उसी मोमेंट ऑफ टाइम में हम अपने जो थॉट्स को, अपने एक्सप्रेशन को उस कैनवास पे थ्रो आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। मैं अभी सोच रही थी कि आप येलो का इस्तेमाल कर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब कलर को लो उसमें, क्वांटिटी में छोड़ो उस कलर को, फिर आप 2-3 मिनट के बाद में भी अगर कलर धीरे धीरे मिक्स भी करोगे ना, तो आपका कलर उसमें आपका इफेक्ट नजर आएगा उसका। हाँ, आसान बना देते हैं, सर कर रहे हैं तो लग रहा है दो चीजें।
दिस इज अ हार्ड वर्क. वो स्ट्रोक के लिए उतना परफेक्शन आने के लिए कितनी मेहनत होती है उसके पीछे भाई, साधना है ये. क्योंकि अब वो मतलब मैं समझ पा रही हूँ कि उनको वहाँ से रे चाहिए, जैसे प्रकाश लाइट वहाँ से चाहिए उनको, तो ही इज डूइंग दैट. ये मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन कर वो अब इतना ही देखो इसमें ग्लास का डिफेक्ट इनिशियल स्टेज का आप प्रिडिक्ट करके ही देख सकते हो या एज्यूम करिए. वो टाइम ऑफ पीरियड जैसे हम क्या सा कुछ काम करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम देके, लेकिन जो स्ट्रोक्स होते हैं ना वो दो स्ट्रोक्स में ही ऐसे लगता है कि वो कंप्लीट है. कंप्लीट है मतलब उसको करने की जरूरत नहीं ज़्यादा डिटेलिंग. कलर ट्रांसफर ब्रश को कभी कभार हमें बहुत लाइटली उसको उठाना होता है कि वो उसका हाँ तो उसका वहाँ पे वो ऐसे लगे कि वो उसके अंदर से ऐसे कुछ ट्रांसफर हाँ क्रिएट हुई. तो अगर बहुत मोटा लगा देंगे तो वहाँ पे क्यों मत करो तो उसमें क्या होता है कि वो लगाते ही अपने को ऐसा लगता है कि यार एक तो इज़ल इन्होंने वो थोड़ा इज़ल मस्त है जी, ऐसे काम नहीं होता है क्योंकि आई कॉन्टेक्ट यहाँ चाहिए. अभी अभी नहीं लाया होगा, अभी आ जाएगा. अपने हाथ को चाहिए तब वो आप वो उस स्ट्रोक्स को देख पाते हो जैसे क्लोज हो जाता है. नहीं मतलब फ्लो भी ब्लॉक होता है ना फिर वो जैसे आप वो स्ट्रोक्स नहीं आ पाते.
जो कलर लगा रहे हो ना उसको अपनी एक फ्रेशनेस भी छोड़ दो, मतलब या तो उसको पूरा ब्लैक करके करो, अगर मान लो आपको डार्क कलर्स को उसके अंदर एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना क्योंकि ब्रश को उठाना भी जरूरी होता है। अब जैसे मैं इसे अगर ब्लू के अंदर बहुत ज़्यादा उसको अगर घसीटूंगा ग्रीन को तो ग्रीन ग्रीन नहीं रहेगा, समझ लो। और जो येलो है अगर मैं ब्लू के अंदर ले आऊँगा बहुत ज़्यादा तो येलो की जो फ्रेशनेस जो दिखनी चाहिए एक स्पेस में वो रहनी बहुत ज़रूरी होती है पेंटिंग्स में, तभी उस पेंटिंग्स में एक स्ट्रोक्स का फील आता है, है ना, बहुत जिंदा रहना चाहिए। अभी हम हमारे क्या है मिक्स हम चालू रहे उसको उसी तरीके से कि एक पेज को छोड़ना कहाँ पे है और उसको ब्रश को उठाना कहाँ पे, कलर तो गाड़ी लगा है लेकिन उसको उठाना भी जरूरी है, गीले से आ रही है कुछ जगह में मैंने उसको उठाया भी है कुछ जगह मैंने उसको वापस हथियार से लगाया भी, तब वो उसकी ताजगी जो कलर की वो बनी रहती है, नहीं तो वो कलर जो है एकदम से मड़ी हो जाता है। आपकी कहानी अभी यही प्रतीत हो रहा है ना। तो जैसे हमने ये वाला कलर हाँ इसको इसके ऊपर करना था वैसे ट्रांसफर करना हाँ, तो वो थोड़ा सा और फ्रेश क्रिएट हो पाता। और शायद आप डिफरेंट डिफरेंट साइज के ब्रश यूज कर रहे हैं, एक हाँ, ही ब्रश से पूरा काम साइज। अब हम हमें ये साइज का भी ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से जब हम स्ट्रोक्स पर काम करते हैं उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा कि आपका स्ट्रोक्स किस तरीके से लंबा जाएगा। आपने अगर मान लो कि राउंड का इस्तेमाल जहाँ राउंड का करना है बिल्कुल शार्पनेस के लिए या पॉइंट्स के लिए तो वो राउंड ही इस्तेमाल होगा। ब्रश का भी क्या होता है कि एक अपना एक चलने का एक स्टाइल होता है कि वो ब्रश किस तरीके से किस गति से वो भागेगा आगे जाएगा। अगर वो गति उसके अंदर मान लो कि अगर ब्रश में आपको पता है किस तरीके से ब्रश की क्या कीमत है मतलब चलने की, तो वो आप फिर पेंटिंग में भी और अच्छा कर पाओगे। टेक्निक्स ब्रश अब जैसे दो कलर लगा दिए हमने, हमें लगा दिए हम तीसरा कलर भी अगर हमें टच करना है मान लो कि लास्ट में किया जा सकता है, तो अब कहीं दाग की जरूरत पड़ रही है कहीं जो मान लो कि आपका रोज का स्टाइल किस तरीके से आपको क्रिएट करना है। टॉप एरियाज क्या रहने चाहिए, लाइट लाइट अभी देर तक गीला ही रह गए सूखेगा नहीं थोड़ा गाढ़ा कलर इससे आप अगर बाद में कुछ कॉन्ट्रास्ट एंगल्स क्रिएट करोगे तो वो भी आपके लिए इजी हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन वेदर राइट कितना मैं ये कहता हूँ कि एक्रेलिक के लिए सबसे बेस्ट टाइम जो है ये यही है। अभी हमें लग रहा है कि हमें थोड़ा सा छोटा ब्रश ले सकते हैं, स्ट्रोक्स अपने क्रिएट कर दिए। अभी आपको लग रहा है कि आपको कौन सा पैटल में से कहाँ से उसको उठाना है और कौन सा दबाना है, समझ रहे हो, वो भी आपको
कभी भी डार्क के लिए ज़्यादा ब्लू का इस्तेमाल कर सकते हो आप ब्लैक की बजाय, है ना। ब्लैक को थोड़ा सा दूरी रखो, जैसे रेड के साथ तो ब्लैक नहीं लेके जाओ, उसको लेके जाओ ब्लू को, है ना। ग्रीन के साथ भी ब्लू को लेके जाओ अगर डार्क करना है ग्रीन को, ब्लैक से थोड़ा सा डिस्टेंस रहना चाहिए क्योंकि उस कलर की जो फ्रेशनेस होती है वो। तो ब्लू में डार्क शेड होता है पैशन ब्लू, हाँ उसका इस्तेमाल करो तो वो जो पर्पली इफेक्ट देगा आपको और वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो जस्ट रिफ्लेक्शन जैसे होता है रेड का रिफ्लेक्शन डार्क अगर हम देखते हैं तो पर्पलिश रिफ्लेक्शन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो पर्पलिश ही आता है, मानो अगर हम डार्क में उसको कन्वर्ट करके देखेंगे। और दूसरा जैसे हम कभी कभार बच्चे करते हैं बोले कि सर हम पोर्ट्रेट बनाते हैं, बोले कि पोर्ट्रेट में कौन सा कलर इस्तेमाल होता है ज़्यादा बताओगे? स्किन कलर सबसे ज़्यादा ग्रीन पाया जाता है ग्रीन। और ब्लू पाया जाता है भाई का किसका? ब्लू की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, ग्रीन की भी बहुत ज़्यादा होती है। अपनी इंडियन जो टोन होती है मूंगिया टोन कहते हैं। अच्छा, तो मूंगिया कलर में क्या होता है? ग्रीन ही होता है। और दूसरा प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? रेड व्हाइट ब्लू नहीं व्हाइट तो नहीं होता व्हाइट रेड ब्लू ग्रीन नो ब्लू से ग्रीन येलो होता है रेड ब्लू येलो, ठीक है ना। तो येलो और रेड से क्या बना? ऑरेंज। और रेड और ब्लू से पर्पल। इधर पर्पल बना, पर्पल और ऑरेंज को मिक्स करेंगे क्या बना? डार्क ब्राउन स्किन टोन टाइप में आएगा। ब्राउन है। तो ब्राउन कहाँ से आया? ब्लू से ही तो आया, पर्पल से ही। हाँ राइट। तो जन्म किसने दिया? ब्लू ने दिया। ऑल थ्री प्राइमरी कलर्स। तो यानी कि जनक कौन है? ब्लू है। तो ब्लू के बगैर तो ब्राउन का निजात ही नहीं हो सकता। आप ब्राउन टोन का यूज करते हो तो ब्राउन में तो ब्लू के बगैर तो उसका निर्माण ही नहीं है। तो हम पीछे नहीं जाते देखते कि पीछे क्या है, आगे तो चलते हैं लेकिन हमारे को उसकी जर्नी का नहीं पता कि इस जर्नी में क्या क्या। अब ये वाइट है उसका मिडिल टोन्स कहो या उसका टॉपर टोन्स जो है आप और क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी जो खूबसूरती है वो हमें कोई डिटेल नहीं कर रहे हैं, हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमारा पूल इस तरीके से है और हमने उस इन्वायरमेंट में इस तरीके देखा। रियलिज्म में जाना बस उसको उतारना अलग चीज़ हो जाती है कि हमें वो उतारना ही उतारना है, लेकिन आप कलों के साथ पहले तो खेलना सीखो।